बहुत सारे जो फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस थे ना, जीनोस पैराडॉक्स से अगर आप शुरू करें, तो उनका सोल्यूशन मैथमेटिक्स के थ्रू मिला है। अगर मसलन वो ये कहता था कि जी एक तीर जब आपने छोड़ा है तो वो किसी एक मोमेंट पे वो साकत है, वो मूव नहीं कर रहा, या ये कि अकेले हाँ, जो है वो कभी भी अपने मकसद टर्टाइज के तक साथ नहीं जो पहुंच एग्जैक्टली सकेगा, तो क्योंकि ये कितना उसे डिस्टेंस करना इन्फिनिटी के चाहिए, प्रॉब्लम्स इन्फिनिटी थे। के ही प्रॉब्लम्स। इन्फिनिटी के वाले से तो जो कैंटर का काम था वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था, जी, लेकिन डिफरेंट कैलकुलस इन्फिनिटीज। जब ईजाद हो गया तो उसके बाद से अब ये है कि यू कैन हाँ वर्क इट आउट ना मैथमेटिकली। हाँ अगर वो उसने, कई लोग ये पूछते हैं कि जीनों को नजर नहीं आता था कि ये पहुंच जाता है वहां पे, और वो उसको नजर आता था, लेकिन एक्चुअल जो हमारी लॉजिक लॉजिक थी जो दुनिया को समझने का जो हमारा तरीका है ना बेसिक, वो ये है कि हम उसका एक मॉडल बनाते हैं पहले, और वो मॉडल प्रिसाइज मॉडल मैथमेटिक्स में ही बन सकता है। मतलब मॉडल तो हम लिंग्विस्टिक मॉडल्स भी बनाते हैं और भी बनाते हैं, लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज होती हैं, इम्परफेक्शंस होती हैं, जिसकी वजह से आप विटकेंस्टाइन ने भी इस हवाले से जी, काफी काम किया। मेरा भी एक यहाँ पे एक सेशन था मीनिंग ऑफ मीनिंग पे, तो उसमें मैंने ये प्रोफेसर व्हाइट हेड और इस पे गडल गडल और जो बर्टन रसल का रसल जो का था, तो उसका ऑन कॉनोटेशन, तो कॉनोटेटिव मीनिंग पे बल्कि डेनोटेटिव मीनिंग पे था। तो इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये लिंग्विस्टिक पैराडॉक्स है, प्रॉब्लम है, जिसको ओके, उसने मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके सॉल्व किया। जैसे ये ये लिखा था स्टेटमेंट कैन कि नॉट बी दिस प्रूव्ड। स्टेटमेंट कैन नॉट बी प्रूव्ड, सो दिस लाइक इट्स अ पैराडॉक्स। और इस तरह के आप कह सकते हैं कि लैंग्वेज में तो बहुत सारे हैं पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स, बहुत सारी हैं, लेकिन इट वाज इंटरेस्टिंग टू फाइंड अ मेथड कि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट लॉजिक, करके हाँ लॉजिकली उसको देखा जाए। और जो इसका इनकम्प्लीट थ्योरम है वो बहुत ही फैसिनेटिंग है, मतलब इवन लिंग्विस्टिक्स में के मसलन ये साबित करना कि ये इनकम्प्लीट है, ये मतलब यू कांट गेट योर हेड अराउंड इट, कि जब तक आप सबको एक्चुअली सॉल्व नहीं करते, हाउ कैन यू प्रूव कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसको लॉजिकली इस तरह साबित करना, मेरा ख्याल इट वॉज अ ग्रेट लीप। बाकी हम लोग, जो मैं तो लिटरेचर का भी स्टूडेंट हूँ, तो हमारे लिए इसलिए भी फैसिनेटिंग है क्योंकि इट ओपन्स अप दी एवेन्यू, मैथमेटिक्स को एक क्लोज्ड कंप्लीट सिस्टम नहीं है, या दैट्स तो ग्रेट, दैट्स ग्रेट दैट अबाउट दैट दैट, हाँ कि ये सो एक ओपन सिस्टम इसकी वजह से बन जाता है जी कि फाइनाइट सेट ऑफ एक्सियम्स नहीं चाहिए हमें कि जिससे सारे ही थ्योरम प्रूव हो सकते हैं, और ऐसी ट्रू स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं जो अनडिसाइडेबल होंगी। और फिर पॉल कॉन का काम बहुत इंटरेस्टिंग है आगे चल के, कि उसने एक डिफरेंट बड़ा इंटरेस्टिंग वे इंट्रोड्यूस किया जिसकी बेस पे उसको भी तो मुझे फिर याद है जब मैं उस पर लेक्चर पे बात कर रहा था, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे बीच में मैथमेटिक्स कहाँ से आ गई, तो मीनिंग ऑफ मीनिंग पे तुमने बात करनी थी। यस तो असल में तो मीनिंग इट कुड बी रिप्रेजेंटेड आइदर इन नंबर्स और इट कुड बी रिप्रेजेंटेड लिंग्विस्टिकली लैंग्वेजेस में। और अब तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद सबसे अहम बल्कि लीप यही है कि अब हम जब उसको मैथमेटिकली मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के काबिल हुए, तो उसके बाद से ये चैट जीपीटी यस यू आर और राइट, जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं ये ये पॉसिबल तभी हुए हैं जब हम उनको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के काबिल हुए, अदरवाइज तो एक एब्स्ट्रैक्ट सा आइडिया आइडिया है, था, यू राइट। यू कांट गेट टू इट। हाँ, आगे चल के फिर एलन ट्यूरिंग ने इसको मजीद मशीन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से इसको मजीद बड़ा प्रैक्टिकल कर दिया। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह लैंग्वेज का है, जिस तरह हमारा गोल गोल के जहन में फौरन हमारे यहाँ गोल, या फिर आप क्या लें कि सर्कल जहन में आते ही सर्कुलर, लेकिन इसकी इक्वेशन भी है। वो इक्वेशन हम तकरीबन तकरीबन सदियों से पढ़ रहे हैं, वो इक्वेशन हमारी लैंग्वेज में नहीं आ रही। जैसे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन को हम अभी तक अपने लैंग्वेज में, जो कॉमन लैंग्वेज में, अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए। अभी हमें स्ट्रेट लाइन बोलना पड़ता है, सीधी सीधा सीधा रास्ता बोलना पड़ता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वल टू, कभी भी हमें अभी लैंग्वेज में अभी हमारी आई नहीं है। तो इस वजह से भी ये मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज है बजाते खुद, क्योंकि लैंग्वेज है, अगर आप इसको आप कुछ भी कह लें, ये बजाते खुद मुख्तलिफ फिनोमिना का, मुख्तलिफ इवेंट्स का, मुख्तलिफ स्टेटिक या डायनेमिक जो भी कंडीशन है नेचर के, उसको हमने उसका फोटोग्राफ लेते हैं, या फिर उसका हम मूविंग जो एनालिसिस करते हैं उसका सारा कुछ करते हैं, मेथड पे तो बात हो गई है उसमें। तो ये लैंग्वेज हमें, और ये हमेशा स्पेस, मुझे लगता है कि जितनी मैथमेटिक्स यानी डेवलप हो रही है, ग्रो कर रही है, उतनी ही हमारा जो कॉमन के साथ ना, कॉमन लैंग्वेज के साथ उसका स्पेस, मुझे लगता है, मुझे हम श्योर, आप मेडिटेशन आप ज़्यादा समझते हैं, वो बढ़ते जा रहा है। और उसको शायद अब इसमें मैथमेटिशियन का है कमाल है या कसूर है या नहीं, यहाँ पे सवाल कसूर। तो लैंग्वेज के हवाले से, मैथमेटिक्स के हवाले से, गैलीलियो का भी अक्सर उसका रेफरेंस होता है कि मैथमेटिक्स, उसने मशहूर ये कहा था कि मैथमेटिक्स इज़ दी लैंग्वेज ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये एक बहस, एक और एक सेपरेट बहस है मैथमेटिक्स के अंदर, ये चलती है पीछे जाते जाते प्लेटो तक पहुँच जाती है। ठीक है, फिर क्या मैथमेटिक्स इन्वेंट करते हैं हम,
या डिस्कवर करते हैं, ठीक है? आई मीन फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैं आपसे इस हवाले से पूछूं कि आपका क्या हाल है, आप मैथमेटिक्स इन्वेंट करते हैं या डिस्कवर करते हैं? अभी जो आपने कुछ बातें की ऐसे लग रहा है कि आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स हम इन्वेंट करते हैं। डू यू थिंक लाइक दैट? नहीं, डिस्कवर करते हैं। दैट्स ग्रेट। ओके, सो अगर आप इस इफ यू थिंक लाइक दैट, यानी इफ यू बिलीव इन दिस हाइपोथेसिस लेट्स सपोज, तो देन यू आर प्लेटोनिस्ट, ठीक है? तो जो ये इस पे ज्यादा करते हैं क्योंकि वही प्लेटोनिक फॉर्म्स वाली बात है कि ये आइडियाज जो हैं जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं ये ऑलरेडी कहीं एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? जो सर्कल हमने इधर ड्रॉ किया हुआ है ये परफेक्ट सर्कल नहीं है, ठीक है? ये उसकी अप्रॉक्सीमेशन है और ये है भी नहीं परफेक्ट सर्कल किसी भी हवाले से। तो लाइन का भी यही कॉन्सेप्ट है, पॉइंट्स का भी यही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो डिस्कशन है इस पे तो मेरे ख्याल में एक और सेशन पर्टिकुलरली इनके साथ हो सकता है कि डज मैथ रिवील रियलिटी। तो ये एक फ्यूचर नेक्स्ट इस पे सेशन हो सकता है और बल्कि इस हवाले से एक वर्ल्ड साइंस फेस्टिवल के ऊपर एक अच्छी डिस्कशन भी है, वीडियो भी है, वो भी हम शेयर कर सकते हैं। अच्छा, मैं वैसे समझता हूँ कि ये इन्वेंट है क्योंकि इन्वेंशन इन्वेंशन में तो ये है कि यू कैन एक्चुअली क्रिएट द न्यू वर्ल्ड, इट्स नॉट जस्ट डिस्कवरिंग। अक्सर ये सवाल होता है कि सर ये मैथ्स इन्वेंट करते हैं हम ये डिस्कवर करते हैं, तो मेरा यही जवाब होता है कि इस पर तो लोगों ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। आई एम नॉट हेयर टू गिव एन ओपन स्टेटमेंट, इट्स फॉर यू टू गो रिसर्च एंड थिंक व्हाट्स द बेस्ट। और बुक्स बहुत सारी हैं, इस पर हम एक स्टेटमेंट से इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि एक बहुत लंबी बहस है। तो इस स्टोरी के हवाले से मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा क्योंकि ये जो पुरानी डिस्कशन थी प्लेटो से और फिर ये हिल्बर्ट पे आके ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी हिल्बर्ट की वजह से। हिल्बर्ट फॉर्मुलिस्ट था, ठीक है? तो और गर्डल जो था वो प्लेटोनिस्ट था और गर्डल छुपाता था अपने आपको क्योंकि उस टाइम पे जब गर्डल था ना उन दिनों प्लेटोनिज्म को अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो लॉजिकल पॉजिटिविज्म का एक एक, एक वियना सर्कल की वजह से लॉजिकल पॉजिटिविज्म बहुत ज़्यादा फैल रहा था, ठीक है? तो फिर वो प्लेटोनिज्म को ना थोड़ा सा काइंड ऑफ अच्छा नहीं समझते थे। तो गर्डल काफ़ी अर्सा ये छुपाता रहा कि मैं प्लेटोनिस्ट हूँ और बड़े अर्से बाद उसने रिवील किया कि मैं प्लेटोनिस्ट, ठीक है? हालांकि वो वियना सर्कल के अंदर था और वो हिल्बर्ट के में उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू में नहीं था हिल्बर्ट के हवाले से। वो भी वैसा ही सोचा था या उसी स्कूल ऑफ थॉट से ही था कि हम एक बड़ी सॉलिड फाउंडेशन बना लेंगे मैथमेटिक्स की जिसमें इवन इस तरह के जो पैराडॉक्सेस हैं इनको हम रिमूव कर लेंगे, लेकिन सम हाउ इंटरेस्टिंगली ऐसा प्रॉब्लम उसने सॉल्व कर लिया या काइंड ऑफ प्रूव कर लिया जिससे उसको लगा कि ये तो प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स के अंदर, उसकी फाउंडेशन के अंदर। वो जो हमारा सोका ड्रीम है ना कि हम सारे कंप्लीट एक कंप्लीट मैथमेटिकल सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो कंप्लीट भी हो डिसाइडेबल भी हो वो बना लेंगे, वो गड़ल ने ना उसको डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है? और उसकी वजह से थोड़ा पेसिमिज्म भी आया मैथमेटिक्स उस वक्त, ठीक है? गड़ल को इतनी जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं मिली जैसे कि कैंटर को इन्फिनिटी के बहुत सारे आइडियाज़ की वजह से एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी ना कि ये कौन सा मैथमेटिक्स बीच में ले आया, ठीक है? ये के इन्फिनिटीज़ के हवाले से क्योंकि ये बड़ी पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट्स थी उसकी और कि इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटीज भी होती है, ठीक है? सो दिस वाज ए वेरी शॉकिंग आइडिया। हम पहले इन्फिनिटी हमें नहीं समझ आती, अब आप कह रहे हैं इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटीज भी होती हैं और इन्फिनिटी का पूरा एक हायरार्की है, ठीक है ना? मतलब देयर इज एन इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ इन्फिनिटीज। तो जिस प्रॉब्लम ये तो उसने प्रूव कर लिया, ये तो बड़ा सिंपल उसका प्रूफ था। वो तो यही होता है कि आप किसी भी आपके पास कोई भी सेट हो ना एक्स उसका आप ऑर्डर लें तो वो बेसिकली उसके पावर सेट के ऑर्डर से हमेशा लेस होता है, ठीक है? ये तो कैंटर्स आर्गुमेंट बड़ा सिंपल है। कोई भी सेट लेने हाँ वो फाइनाइट हो या इन्फिनिट हो उसके लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होती है कि उसका सेट और उसके पावर सेट उसकी कार्डिनलिटी सेम नहीं होगी, ठीक है? तो इससे आप प्रूव कर सकते हैं कि पूरा एक इन्फिनिट सीक्वेंस बन जाता है इन्फिनिटीज का। तो उस वक्त जो वेल एस्टैब्लिश मैथमेटिशियन थे ना उन्होंने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था, बट हिल्बर्ट ने थोड़ा सपोर्ट किया, ठीक है? और फिर आइडियाज करते करते फिर गर्डल पे आ गए, ठीक है? और वही प्रॉब्लम वही था। प्रॉब्लम बेसिकली ये था कि जो सबसे स्मॉलेस्ट इन्फिनिटी होती है ना हमारे पास वो नेचुरल नंबर की होती है, काउंटेबल जिसे हम इन्फिनिटी कहते हैं 1, 2, 3 वाले, ठीक है? तो उसके बाद जो नेक्स्ट इन्फिनिटी आती है वो रियल नंबर्स की आती है, ठीक है? या इरेशनल नंबर्स की आती है। रैशनल नंबर्स की इन्फिनिटी जो है ये वाली ये इसका साइज उतना ही है जितना नेचुरल नंबर का, ये उसने प्रूव किया था, ये उसका आर्गूमेंट है, ठीक है? वो जर्मनी के अंदर जो शुरू में हमने देखा तो तख्ती के ऊपर उसका मॉन्यूमेंट बना हुआ है हाले के अंदर, उधर मैंने भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी इस हवाले से। तो वो उसका ही आर्गूमेंट है कि कैसे रैशनल नंबर्स को जो रेशियो वाली फॉर्म्स हैं उनको भी आप काउंट कर सकते हैं और वो इस इन्फिनिटी के इक्वली होगी। जो उसका प्रॉब्लम ये था वो जिसमें स्टक हो गया जिसको वो प्रूव नहीं कर पाया डिसाइड नहीं कर पाया कि ये एक इन्फिनिटी है और एक रियल नंबर की इन्फिनिटी है, क्या इनके बीच में भी कोई इन्फिनिटी है, ठीक है? तो ये प्रॉब्लम इसे कंटिन्यू हाइपोथेसिस कहते हैं, इसमें वो स्टक रहा, ठीक है? कभी उसको लगता था कि एग्जिस्ट करती है, प्रूफ करता था, उसको लगता था मैंने सही प्रूफ कर लिया और फिर कुछ अर्से बाद उसको लगता था कि ये प्रूफ सही नहीं है तो फिर वो कहता था एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? तो ये बैक और फोर्थ ये चलता था। फिर गर्डल आया, गर्डल भी इसमें फंस गया,
ठीक है, उसका फिर हल जो है वो पॉल कॉर्न ने एक डिफरेंट वे में बताया। तो उसने तो मैथमेटिक्स को ही एक बिल्कुल एक नई डायरेक्शन दे दी कि ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो अंडर दिस कंडीशन ट्रू होंगी, अंडर दैट कंडीशन फॉल्स होंगी। तो वो जो ट्रू और फॉल्स है ना लॉजिक के हवाले से, वो भी यहाँ पे पहले आपको चूज़ करने से पहले देखना पड़ेगा कि आप कौन सा सेट थ्योरेटिक सिस्टम्स पहले चूज़ कर, वो बेस करता है इस कंटिन्यूम हाइपोथेसिस को। तो ये एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। एंड में इस पे करता हूँ कि जो लोग जो फॉर्मुलिस्ट हैं, हिल्बर्ट वाले हैं, वो काइंड ऑफ फॉर्मुलिस्ट होते हैं। जो प्लेटो वाले हैं काइंड ऑफ माय टाइप, ठीक है, ये गर्डर वाले टाइप के, वो प्लेटनिस्ट होते हैं। तो ड्यूरिंग द वीक जब 5 days वर्किंग डेज में उनको लगता है कि वो प्लेटनिस्ट हैं और वो मैथमेटिक्स डिस्कवर कर रहे हैं, इन्वेंट नहीं कर रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं ना, यू गॉट दिस वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि यू आर डिस्कवरिंग समथिंग, और ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती है। अदरवाइज मैथमेटिक्स इज अ वेरी बोरिंग एक्टिविटी अगर ये स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन ना हो, क्यूरियोसिटी ना हो, ठीक है। तो ड्यूरिंग वर्किंग डेज उनको लगता है कि दे आर डिस्कवरिंग समथिंग, लेकिन जब वीकेंड पे, जैसे कि आज हम इस पे बहस कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज कर देते हैं। उनके नहीं नहीं वो तो मैं वैसे प्रिटेंड कर रहा था, आई एम स्टिल ड्यूअल नेचर, ठीक है। तो वर्किंग डेज में वर्किंग मैथमेटिशियन वर्किंग डेज में प्लेटनिस्ट होते हैं, लेकिन वीकेंड पे वो फॉर्मुलिस्ट बन जाते हैं। थैंक यू फॉर कमिंग।